हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस फॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर ना आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपके 10th के मेरिट के आधार पर आपको यह जॉब मिलने जा रहा है, वो भी भारत के सबसे बड़े संस्था इंडिया पोस्ट के द्वारा यह आपका रिक्रूटमेंट आया है। क्या है, कैसे है, वो सारी बातें करेंगे हम लोग। लेकिन आपने बचपन में एक बात सुना होगा, डाकिया डाक लाया, यानी डाकिया का काम है डाक लाने का। और वही काम आपको ये नोटिफिकेशन भी बताने वाला है और वही जॉब आपको ऑफर करने वाला है। तो बहुत बारीक से बारीक बात को हम लोग समझेंगे जो शायद आप नहीं समझ पाए हैं। और सैलरी कितना रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे 10th बेसिस पर आपको इस नोटिफिकेशन को देखना है, क्योंकि जिनका मेरिट अच्छा है यानी 10th में मार्क्स बहुत अच्छा है और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनके लिए यह जॉब 100% होगा, 100% होगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि हम लोग बिहार में एक बड़ी संस्था रन कर रहे हैं जिसको डायरेक्शन दे रहे हैं राहुल सर, मैथ के सबसे बड़े टीचर बिहार में हैं। इनके द्वारा आरआर कैंपस को हम लोग संचालित कर रहे हैं मिलकर। यह संस्था सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए जाना जा रहा है। SSC में बेहतर रिजल्ट, रेलवे में लगातार रिजल्ट, बैंकिंग में सर्वोत्तम, और दरोगा में लगातार प्रयास से हम लोग दरोगा रिजल्ट देने में लगे हुए हैं। मैथ के लिए राहुल राज सर का कोई तोड़ नहीं है बिहार में। दूसरा बात, यहाँ संस्था में रीजनिंग भी होता है, इनके इन्हीं के डायरेक्शन में आपका GS भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है। तो आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है इस तरह कॉल कर सकते हैं। यदि आप बोरिंग रोड साइड हैं या फिर मुसल्लेपुर साइड हैं तो आकर हमारे सेंटर पर मिल सकते हैं। हम लोग आपको वहाँ सुविधा बता देंगे क्या कैसे मिलने वाला है। आपको पता होगा किसान कोल्ड स्टोरेज, वहीं पर सारा संस्था है, उसी के सामने आपको राहुल सर का बैनर दिख जाएगा। अब आते हैं नोटिफिकेशन पर। ग्रामीण डाक सेवक, मैंने बोला डाक या डाक लाया, तो डाक सेवक का यह पोस्ट है जो मुख्यतः ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, तीन पोस्ट को लेकर यह काम करेगा। और खुशी की बात क्या है पता है, 4 घंटा ही काम है एक दिन में, और अगर इससे ज़्यादा अगर आप काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। वो इंसेंटिव 200 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, वो तो काम पर निर्भर करेगा। तो कितना अच्छा काम है आपके पास, सिर्फ 4 घंटा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं डाकिया क्या करता है, आपका लेटर पहुंचाता है फिर आराम से बैठ जाता है, या यद्यपि उसको अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर को छाटना भी होता है, ये भी अलग बात है। लेकिन ये 4 घंटे का जॉब है, यह कहकर इंडिया पोस्ट आपको यह जॉब ऑफर कर रहा है। तो इसमें कोई शक को सुबह नहीं है, ऐसा ना सोचे कि इसमें शक है कुछ, कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जानने वाली बात है उसको जान लीजिए। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो इस पर जाके आप कर सकते हैं। यहाँ भी क्लिक करेंगे तब भी आप डायरेक्ट चल जा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन गूगल पे जाके इसको कर सकते हैं। मेन बात जो इसमें और जानना है आपको, मैं बताने वाला हूँ, वो है रजिस्ट्रेशन और सबमिशन कब तक होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है 15/7/2024 से, यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और कब तक होगा, तो 5/8/2024 तक होगा, यानी जुलाई में शुरू हुआ है, अगस्त तक यह चलेगा। और एक बात और है, अगर कोई गलती हो जाता है आपसे, आप चाहते हैं परेशान नहीं हो, क्योंकि आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ दे रहा है, करेक्शन विंडो दिया जा रहा है। 5 तारीख को फॉर्म फिलअप होना बंद होगा, 6 तारीख से 8 तारीख तक आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा कि भैया जाके करेक्शन कर लीजिए। तो चिंतित होने वाली बात नहीं है अगर आप फॉर्म फिलअप कर भी चुके हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है कि देखिए इसमें 3 पोस्ट के लिए है। पहले मैंने बात किया, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, AVPM है और डाक सेवक है। ये सारा मिला के आपको 44,228 पोस्ट के आसपास है, जिसका सैलरी आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर का आप देखिएगा तो 12,000 से लेकर 29,380 रुपया तक आपको मिल सकता है। और अब मैंने बोला आपको कि काम क्या है, और काम के आधार पर सैलरी अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छा सैलरी है। इसी तरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं या डाक सेवक हैं, तो दोनों में ही आपको सैलरी 10,000 से शुरू होगा और 24,470 तक जाएगा। तो एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक आपको लगातार जॉब मिल रहा है, स्थायी सेवा में जा रहे हैं आप, इस एक बेहतर विकल्प आपके लिए उपलब्ध हो रहा है। इसी तरह डाक सेवक की बात कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं कि आपको ये बात मैंने बता दिया, एज लिमिट क्या है। तो भैया एज लिमिट आपका 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, तो अच्छा खासा आपको एज लिमिट भी दिया जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जनरल OBC वालों को मात्र 100 रुपया देना पड़ रहा है, और अगर फीमेल हैं, SC ST
पीएचडी कैटेगरी के हैं तो आपको 0 रुपया लग रहा है, यानी दिव्यांग श्रेणी के हैं तो आपको 0 रुपया लग रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं लिया जा रहा है। आपका एज लिमिट भी अच्छा खासा 18 से 40 वर्ष, अभी तक आपको जॉब नहीं लगा है और आप 10th में अच्छा मार्क्स ला के बैठे हुए हैं तो भैया फिलअप कर दीजिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी आपको दे रहा है, कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जैसे एस सी एस टी वाले को 5 साल, OBC वाले को 3 साल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, PWD वाले को 10 साल, उसी तरह PWD प्लस OBC है तो 13 साल, PWD हैं और SC ST से हैं तो 15 साल। ये एज रिलैक्सेशन आपको इंडिया पोस्ट के इस नोटिफिकेशन में मिल रहा है। सबसे बारीक बात जो समझना है ना आपको यहाँ पर, वो समझना आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाई NONE रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, यानी आप कहीं से भी किए हों, भारत सरकार के कोई स्कूल से किए हों, आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी स्कूल से किए हों या यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के किसी स्कूल से किए हैं, 10th पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कंडक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको एक और बात यहाँ पर समझना होगा, जब आप ये रीजनल वाइज है यानी क्षेत्रीय स्तर पर है, क्षेत्रीय स्तर पर अगर आप बंगाल चले जाएंगे तो आपको बंगाली भाषा आना चाहिए, आप बिहार आ रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा आना चाहिए, झारखंड जा रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा आना चाहिए, तो ये लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रीजन का फॉर्म फिलअप कर देंगे, आप अगर हिंदी जानते हैं तो बिहार रीजन का फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आप असमी जानते हैं तो असम रीजन का फॉर्म फिलअप करेंगे। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको पता है कि आपको रीजनल बेस्ड काम करना है तो आपको वैसा ही सुविधा भी दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो लोकल लैंग्वेज आपको 10th लेवल तक आपको कम से कम होना चाहिए, मतलब असमीज में होना चाहिए, बंगाली में होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़े हों, ये एक है क्रिटेरिया जिसको फुलफिल आपको करना है। इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज हुआ तो द बेस्ट, साइकिल चलाने जानते हो क्योंकि डाकिया डाक लाया कैसे लाया तो साइकिल पर लाया, याद है ना, ठीक है। और आपको हम सुविधा नहीं देंगे, रहने खाने का सुविधा नहीं देंगे, ये आपको अपने देखना है, ये आपको अपने समझना है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात किया गया तो कहा गया SC ST OBC PB PWBD EWS मस्ट इंश्योर डैट दे आर इंटाइटल टू सच रिजर्वेशन, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है, नहीं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये मेन बात है जो मैंने, अब आप हाउ टू अप्लाई, तो आपको पता है कि आपको वेबसाइट पर जाना है और आपको अप्लाई करना है। एक और बात कहा जा क्या, सिलेक्शन क्रिटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्जाम तो होगा नहीं कोई, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया सिलेक्शन कैसे लोगे, क्या कोई जादू का छड़ी घुमाओगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड बाय एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, आपके मेरिट लिस्ट पर बनेगा। कैसे बनेगा तो ये नीचे थोड़ा आते हैं, कहता है आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा 9.5 यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9.5 से बनेगा। तो आपको यहाँ CGPA देना है, यहाँ आपको CGPA डालना है और इसी के ग्रेड पॉइंट के आधार पर आपका आपको मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसी आधार पर आपको जॉब मिलेगा। जैसे मान लेते हैं ग्रेड A1 है, आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिला है, तो इसका 10 को 9.5 से गुना कर दिया जाएगा और जितना आएगा उसी के आधार पर आपको ये जॉब प्रिफ्रेंस मिलेगा, यानी पहले जिनका ज़्यादा होगा उनको जॉब मिल जाएगा। मान लेते हैं आपका 9 आया ग्रेड पॉइंट, तो आपका 9.5 से गुना होगा, 8 आया तो 9.5 से गुना होगा, तो सारा गुना होते जाएगा, उसी आधार पर मेरिट बनेगा और उसी आधार पर आपको जॉब मिलेगा। तो सीधा बात है कि 10th में अगर आप अच्छा लाएँ नंबर तो आपको जॉब आसानी से मिल सकता है, नहीं लाए हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है, ये बात है। तो इसी बात को यहाँ पर बोला गया है, सुनिएगा, इट इज़ टू क्लेरिफाइड दैट द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट्स और ग्रेड इनटू मार्क्स, यानी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके नहीं देना है कि कितना परसेंट आपको आया है, आपको ग्रेड पॉइंट बताना है और उसी आधार पर आयोग अपनी तरफ से देख लेगा कि आपको कितना और क्या आ रहा है, तो ज़्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। सीधा पॉइंट है कि आपको अगर आया हुआ है CGPA तो वो आपको डालना है और उसी के आधार पर मल्टीपल होगा यहाँ पर 9.5 से। यही मेन पॉइंट था जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो भारत सरकार का यह डाक विभाग इंडिया पोस्ट अच्छा एक वैकेंसी लाया है 10th वालों के लिए, सीधी भर्ती है, तो आप सभी अगर आप चाहते हैं कि एक तुरंत से जॉब लग जाए ना, तो ये आपके लिए ही है।
तो आशा करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे और हमारे संस्थान से जुड़ेंगे। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार ना सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बल्कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो और साथ ही साथ आपके लिए GS, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का लगातार वीडियो लाते रहे हैं। तो अगर आपका कमज़ोर है ना किसी कोई पॉइंट, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। धन्यवाद।